सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तमुलपुर गुवाहाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर गौतम। एंड एक्चुअली आज मैं जा रहा हूँ बाइक का सर्विसिंग करने के लिए। सो डिलीवरी का ब्लॉग है, उसके बाद सीधा सर्विसिंग का ब्लॉग। एक्चुअली मेरा गोप्रो ख़राब हो रहा था, इसके चलते मैं कोई पे जा नहीं रहा, ब्लॉगिंग नहीं करा। सो एक्चुअली गोप्रो का बैटरी ख़राब था, सो उसके बाद मैंने गोप्रो का बैटरी ऑनलाइन से ऑर्डर किया, उसके बाद आया। सो अभी आज जा रहा हूँ गुवाहाटी। और भी पूजा भी आने वाला है, आज वेडनेसडे, सो फ्राइडे से पूजा है, दुर्गा पूजा। सो हैप्पी दुर्गा पूजा ऑल ऑफ यू। सो आज सर्विसिंग कराएंगे, सो देखते हैं कितना खर्चा होगा। मेरा फर्स्ट सर्विसिंग होगा इस बाइक का। सो पता नहीं कितना लगेगा, एंड लेट्स सी। और अभी मेरा घर से गुवाहाटी लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है, सो मुझे भी जाने में एक डेढ़ घंटा लग जाएगा, क्योंकि मुझे आगे ट्रैफिक भी मिलने वाला रहेंगे। हमें गुवाहाटी में भी तो ऑब्वियसली ट्रैफिक मिलेगा ही। सो आज मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है आज। और मेरा बाइक का अभी तक नंबर भी नहीं है, सो आज जाके पूछते हैं नंबर वगैरह आया है कि नहीं। अगर नंबर आ गया है तो आज नंबर भी आप लोगों को रिवील हो जाएगा। दुर्गा पूजा के बाद एक राइड का प्लान चल रहा है, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन का राइड है। और नेक्स्ट ईयर ही हम लोगों का जो राइड होगा लॉन्ग राइड होगा, सो उस पर बहुत मज़ा आने वाला है लॉन्ग राइड में। और लॉन्ग राइड में अकेला नहीं करूँगा शायद। बहुत दिनों के बाद आज मोटो ब्लॉग करो, ब्लॉग कैसा बनेगा क्या होगा कुछ भी आइडिया नहीं है मेरा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अभी लग जाता भाई, कैसे कैसे लग लोग रहते यार। उनका साइड अलग है, उस तरफ है, मेरा साइड से मैं जा रहा हूँ तो स्विफ्ट वाला ऑटोमेटिक मेरा सीधा आ गया। इन दिनों में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है हमारे इधर में, सो वो भी डर ही लगता है बाइक लेके जाना कहीं पे, फिर भी जाना तो पड़ेगा। बाइक का ब्रेकिंग बहुत अच्छा है भाई, ब्रेकिंग पावर मानना पड़ेगा, फटाक से लेते स्पीड। यहाँ पे शायद आज बाजार है,
फाइनली ब्रिज पहुंच गए, सोराईघाट ब्रिज। और ये जो रिवर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। वाइजर लगा देने से बहुत गर्मी लगता है भाई, लेकिन हमारे गांव में तो इतना गर्मी है ही नहीं अभी। जालोबरी में बहुत ज्यादा जाम था आज पीछे। ओ भाई, इधर से रोड अच्छा है लेकिन कहीं कहीं पे ओवरब्रिज बन रहा है ना, इसके चलते काम चल रहा है थोड़ा बहुत। One hour later. सो फाइनली सर्विसिंग हो गया, फर्स्ट सर्विस्ड। वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ इंजन ऑयल और इंजन का जो ऑयल फिल्टर होता है वो, और एक चेन लीव 1865 या 64 ऐसा कुछ होता, 1864 रुपीस फर्स्ट सर्विस, क्योंकि मोबिल का दाम ये 1580 रुपीस ऐसा कुछ है। सो 1.7 लीटर मोबिल लगता है इसमें, मोटुल का डाला है। सो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो खुद से खरीद के लाऊंगा। सो वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 25% डिस्काउंट मिलता है क्योंकि हम लोग का शॉप है। बेकार में ऐसे में बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया। सो अभी शोरूम में चलते हैं, KTM शोरूम में। सो देखते हैं नंबर प्लेट आया है कि नहीं, अगर नंबर प्लेट आ गया तो नंबर प्लेट आज ही लगवाएंगे। एंड एक हेलमेट भी मिलेगा मुझे, क्योंकि बाइक खरीदते हैं तो हेलमेट देते हैं साथ में, लेकिन बाइक लेते समय हेलमेट नहीं था उन लोगों के पास स्टॉक में। सो हेलमेट होगा तो हेलमेट भी ले लेंगे। सो अंदर जगह देखते हैं, लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ठीक है भाई आते। हेलमेट ले लिया, एक स्टील बर्ड का हेलमेट है, सस्ता वाला। कोई नहीं, काम तो आ ही जाएगा कभी ना कभी।
सो गाइस इस ब्लॉग को ये पेन करते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को जरूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।